हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है यूआईएन इन जीएसटी, मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है, रेगुलर टैक्स पेयर को अलॉट किया जाता है, जिनसे हमें जीएसटी कलेक्ट करना है, जिनको रिटर्न्स फाइल करनी है, जो जीएसटी के सारे सिनेरियो में आते हैं, जिनको रिफंड चाहिए, जिनको आईटीसी क्लेम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जब जीएसटीआईएन था तो यूआईएन की क्यों जरूरत पड़ी? तो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हम जीएसटीआईएन अलॉट नहीं कर सकते, तो उन केसेस के लिए हमें यूआईएन मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हमें जीएसटी कलेक्ट नहीं करना, तो अगर उन्होंने कोई भी परचेज करी है और उस परचेज पे उन्होंने कोई भी टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स हमें उनसे कलेक्ट नहीं करना है। तो अगर उन्होंने वो टैक्स पे किया है तो उनको वापस रिफंड किया जाएगा। अब इन्हें हम GSTIN अलॉट नहीं कर सकते थे, क्योंकि GSTIN के लिए आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है, और ये जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि फॉरेन एम्बेसीज वगैरह, इनके पास पैन नंबर नहीं होता, तो GSTIN हम इनको अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट हैं, ये यहाँ पर सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन एम्बेसीज और एनी अदर पर्सन जो नोटिफाइड किए गए हैं। तो UIN होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्पेशल क्लास ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, जो स्पेशली फॉरेन एम्बेसीज हैं इनके लिए लाया गया है, जिनसे हमें टैक्स कलेक्ट नहीं करना, जो इंडिया में आकर अपनी सर्विसेज दे रही हैं। अगर उन्होंने कोई भी टैक्स पे किया है तो वापस से उसको वो रिफंड किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये रिफंड मिलेगा कैसे। तो अब ये रिफंड मिलेगा इन्हें GSTR 11 की हेल्प से। अब GSTR 11 क्या है? GSTR 11 में जो UIN होल्डर ने जो भी परचेज करी है गुड्स या सर्विसेज, वो सारी उसको शो होगी GSTR 11 में, जो कि उसको क्वार्टरली फाइल करनी होती है, जैसे हमारी GSTR 2 होती है। जैसे ही हमारे सेलर ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी, वैसे ही वो सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाती है GSTR 2 में। वैसे ही सेम, जैसे ही सेलर अपनी GSTR 1 फाइल कर देगा, अगर उसने UIN होल्डर को कोई भी सेल करी है, तो वो उसके GSTR 11 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। UIN होल्डर को उसमें कुछ भी एडिशन, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। ओके, GSTR 11 मंथली भी फाइल करी जा सकती है, जैसे जिस मंथ में आपने परचेज करी है उस मंथ के नेक्स्ट 28 तक। जैसे कि अगर आपने अप्रैल में परचेज करी है कुछ भी, तो आपको मई 28 तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 11 फाइल करनी है, ताकि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या कोई लास्ट डेट भी है रिफंड क्लेम करने की? तो यस, ऑफ कोर्स लास्ट डेट भी है रिफंड क्लेम करने की। और वो लास्ट डेट क्या है? जिस मंथ में आपने परचेज करी है, वो मंथ जिस क्वार्टर में लाई कर रहा है, उस क्वार्टर के लास्ट डे से आपको एडिशनल 6 मंथ्स और दिए जाएंगे रिफंड क्लेम करने के बाद। देन आफ्टर 6 मंथ्स आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी UIN होल्डर ने 8 अप्रैल को परचेज करी है, तो अप्रैल आपका अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में लाई करेगा, तो इस क्वार्टर की लास्ट डेट हुई 30 जून। तो 30 जून से एडिशनल 6 मंथ्स और दिए जाएंगे रिफंड क्लेम करने के, मींस दिसंबर 23 तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, दिसंबर 23 के बाद आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं कि सेलर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है UIN होल्डर को सप्लाई करते टाइम पे। तो उसको सबसे पहले, जो UIN होल्डर को अगर वो सेल कर रहा है, तो उसको इनवॉइस पे UIN नंबर लिखना है, और जो ये सेल कर रहा है UIN होल्डर को, ये इसको ट्रीट करेगा एज अनदर रजिस्टर्ड B2B में। और जिस मैनर में B2B सेल्स अपलोड करे जाते हैं, B2B सेल्स के इनवॉइसेस अपलोड करे जाते हैं, उसी तरीके से अगर UIN होल्डर को जो भी सप्लाई करी है, उसके इनवॉइस भी इसी तरीके से अपलोड करे जाएंगे। ओके, तो ये थी सारी चीज़ें UIN नंबर के बारे में।